आज हम लोग देखेंगे योग दिवस के बारे में, यानी योग से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो सारे कलेक्शन लाए हैं जो आपके बिहार दरोगा मेंस और आपका देखिए 66 में बीपीएससी के लिए काफी उपयोगी होगा। हालांकि ये करेंट और जीएस दोनों से जोड़ करके बता रहे हैं जो आपके हर तरह के एग्जाम में यूजफुल होगा। तो इसको हम दो भाग में बांट करके देखेंगे, एक प्राचीन काल में योग का क्या संबंध था, योग से संबंधित क्या बातें थी, और एक आधुनिक काल में मोदी जी से आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसे वो कदम उठाए। तो प्राचीन में देखते हैं, योग के पिता भगवान शिव को कहा जाता है, योग के पिता भगवान शिव को कहा जाता है। योग का उल्लेख ऋग्वेद में है, योग का उल्लेख ऋग्वेद में है, और योग जो लिया गया है संस्कृत भाषा से, अगर भाषा कहेगा तो संस्कृत भाषा से, और अगर कहेगा कि सबसे यूज किस सबसे लिया गया है तो युज सबसे लिया गया है। युज का अर्थ होता है संयोग, युज का अर्थ होता है संयोग। इसके जन्मदाता देश कौन है तो भारत, योग के जन्मदाता देश कौन है तो भारत। और पश्चिमी में पहली बार योग से अध्यात्म से परिचय कौन कराया तो ये आपका 11 सितंबर 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में ये संबोधित किया करके पश्चिमी देशों को अवगत कराने का काम किए थे। ठीक है, अब देखिए आधुनिक समय में क्या हुआ। तो आधुनिक समय में सबसे पहले ये जो मांग किए 27 सितंबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी यूएनओ को संबोधित कर रहे थे, 27 सितंबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी यूएनओ को संबोधित कर रहे थे तब इन्होंने योग दिवस मनाए जाने की मांग यूएनओ के महासभा से की है। हालांकि यहां से क्वेश्चन और बनेगा कि ये नरेंद्र मोदी हिंदी में संबोधित करने वाले, यूएनओ को हिंदी में संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री आपका देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने भी ये देखिए हिंदी में संबोधित किया था, और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी हिंदी में संबोधित किया था। तो ये संबोधित करते हुए मांग की यूएनओ द्वारा, इसे पारित किया गया 11 दिसंबर 2014 को, यानी 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ की महासभा ने इससे पारित करके सहमति दे दिया। ठीक है, अब ये मनाए जाने के तारीख कौन सा डिसाइड हुआ तो 21 जून किस तारीख को मनाया जाएगा, 21 जून को। अब ये 21 जून को ही क्यों सिलेक्शन किया गया, 21 जून को ही क्यों मनाया गया, इसका सबसे पहला रीजन है कि उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और दूसरा आध्यात्मिक जो बात है कि भगवान शिव ने मनुष्य जाति को योग विज्ञान की शिक्षा वो 21 जून से देना शुरू किए थे, है ना। भगवान शिव ने मनुष्य जाति को योग विज्ञान की शिक्षा 21 जून से देना शुरू किए थे। ठीक है, पहली बार ये कब मनाया गया तो 21 जून 2015 को मनाया गया। किस योग दिवस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो प्रथम वाला 21 जून 2015 को जो मनाया गया था उसमें करीब 192 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अब ये भारत का कौन सा मंत्रालय इसको मनाता है या किस मंत्रालय के अधीन ये आता है तो आयुष मंत्रालय के अधीन में आता है। ठीक है, अब 2020 का योग का थीम क्या है तो सेहत के लिए योग घर से योग, सेहत के लिए योग घर से योग। तो ये रहा, आप इसको चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।